फ्रेंड्स, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। आप आईएम को निकाल देंगे तो पॉसिबल होगा। ये महान नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को युद्ध के दौरान कहा था कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हमारी बिलीफ और हमारी सोच अगर सही रास्ते पे है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साइगुरु में स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉन का राशिफल 2024, जिनकी राशि मकर है या लगन राशि है या नाम राशि से, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इस 2024 में इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मकर राशि की ग्रह गोचर स्थिति पे पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए, मकर राशि की पे शनि की साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं। थोड़ा कष्ट समय से जा रहे हैं, नो डाउट, मगर हमेशा एक नई सूरज उगने का समय है इनका। ग्रह गोचर स्थिति में ऐसा है, देखिए, दूसरे भाव में शनि का गोचर है, तीसरे भाव में राहु का, चौथे भाव में गुरु का, साथ ही नौवें भाव जो भाग्य स्थान पे केतु का है। तो ये बेसिक ग्रह गोचर स्थिति है और हम इसमें अब डिस्कशन करेंगे। देखिए, मकर राशि वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, और इनको लव में भी और लव मैटर्स, बिजनेस मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा इमोशनैलिटी के कारण कभी कभी को चीटिंग के लिए धोखा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, लाइफ इज गोज ऑन लाइक दिस। देखिए, जनवरी में जो मेन जो आपको देखिए सूर्य भगवान लगन पे रहेंगे आपके, तो ऐसे में देखिए ये आपके लिए करियर के लिए, जो स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा शुभ टाइम है। और ख़ासकर जो है इसमें ये समय इनके लिए जो एग्ज़ाम्स का समय जो है, मन अच्छा लगेगा, सूर्य की पूरी दृष्टि बैठेगी, अच्छी है। तो 20 जनवरी से 15 फरवरी का समय बड़ा अच्छा है, तो अच्छे रिजल्ट्स इनके नौकरी में भी जो है एवरेज जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जिनका बिजनेस है और जिनका अपना काम है उनके लिए भी ये समय अच्छा है। देखिए, 5 फरवरी से 15 मार्च जब ये मंगल भगवान जब आ जाएंगे लगन पे, तो आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी वाइटैलिटी, क्योंकि मंगल, देखिए, मंगल बेसिकली एक एनर्जी के ग्रेट एनर्जी हाउस हैं। तो ऐसे में जो लोग खासकर हमारे जो बच्चे या जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो डिफेंस, पुलिस, CISF, इस किस्म के एग्ज़ाम्स में काफ़ी इनको सक्सेस मिलेगा, पढ़ाई में बड़ी ऊर्जा आएगी। तो इस दौरान ये एग्ज़ाम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी दौरान जो है लव मैटर्स भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस दौरान शुक्र का भी गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। और ख़ासकर जो लोग नौकरी में हैं उनमें भी आप देखेंगे नई ऊर्जा होगी, तो ये काफ़ी इनके लिए शुभ है, शुभ मतलब समय है ये आप मान सकते हैं मार्च तक। इसके बाद देखिए, हम तीसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट घटना जो रहेगी वो है शनि भगवान की। शनि देखिए आपके राशि के स्वामी हैं। अभी देखिए शनि की साढ़े साथी है, उतरती हुई साढ़े साथी है। इसमें देखिए गोचर की स्थिति ऐसी है कि 25 जून तक जो है शनि तो रहेंगे मार्गी, और उसके बाद जो है ये हो जाएंगे बकरी। तो जो पहला जो फेज़ है इसमें क्या है कि आपको जो भी जो आपके कार्यों में एक, क्योंकि शनि अभी भी थोड़ा आपको परेशान कह सकते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा, मगर आप एक काम करें, नए बदलाव रहेंगे आपको करियर में, रिलेशनशिप्स में, जॉब्स में, इवन जो है चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। और आपको मगर इस दौरान आपको कामकाज में नए क्लाइंट्स, नए आइडियाज, नए वर्क ऑर्डर्स, और साथ में आपके अंदर नई ऊर्जा शक्ति होगी जरूर 25 जून तक। 25 जून से थोड़ा बहुत आपको देखिए शनि के लिए थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेचर जिद्दी बना देगा, स्टबर्न, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हैं, क्योंकि शनि स्लो डाउन कर देते हैं, तो आप जैसा चाह रहे हैं वो नहीं होगा, तो आपको क्या होगा कि थोड़ी आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी। ये समय थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। साथ में चौथी बड़ी घटना राहु की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाव में राहु, तीसरा छठा ग्यारहवा भाव राहु कहते हैं, बड़ा शुभ होता है। ऐसे में आपको मेहनत का फल मिलेगा, पराक्रम का फल मिलेगा, यात्राओं से फल मिलेगा, आपको बड़ा इंटेलिजेंट, क्लेवर बना देगा। आप जिंदगी को कह सकते हैं कि यू विल अंडरस्टैंड लाइफ इन इट्स ट्रू मीनिंग। समय अच्छा रहेगा आपका। पांचवी बड़ी घटना केतु का नवे भाव में, देखिए भाग्य स्थान पे केतु का गोचर, इसमें आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपकी नई एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है, आपको स्पिरिचुअल जर्नीज हो सकती हैं, आप किसी के साथ, आपके लव मैटर्स में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो केतु आपके लिए ये जो है बड़ा शुभ रहेगा। अब इसके हम आते हैं गुरु का। गुरु भगवान देखिए चौथे भाव में रहेंगे अप्रैल तक, उसके बाद मई में जो है ये आ जाएंगे आपके पांचवें भाव में। तो ऐसे में क्या है कि देखिए
थोड़ा अप टू अप्रैल तक जो है, देखिए गुरु भगवान चौथे भाव में, देखिए आपको, आपकी माता को और आपके प्रॉपर्टी, आपके ओवरऑल सुखों में जनरल जो है थोड़ा सा एक डिलेनेस कह लीजिए या थोड़ी सी एक ढीलापन आएगा। तो ये गुरु के कारण, गुरु फोर्थ हाउस में नहीं उतना शुभ देते, और आपको क्या होगा कि इस समय आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और अधिक परिश्रम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु फुल लाभ ले रहे हैं। मगर मई से, जब मई फिफ्थ भाव पे आ जाएंगे, तो तब आपको क्या होगा कि बहुत अच्छा मान सम्मान काम में भी मन लगेगा, फॉरेन से संबंधित आपको काम मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस में आपका मैरिज का भी योग है, लव मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगा। और आपको इस समय में जो है मई से लेकर दिसंबर के बीच में, जबकि शनि वक्री हो रहे हैं, फिर भी क्या है कि आपको जो है ये समय आपको भगवान गुरु भगवान जो है, क्योंकि पूरे उसकी दृष्टियां, तीनों दृष्टियां बड़ी अच्छी रहेंगी, उससे क्या होगा जिनकी मैरिजेस में मैरिज हो जाएगा, संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोग एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, और एडमिशंस फॉरेन में या स्कॉलरशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही इस समय जो है जो बिजनेस वालों का जो एक बहुत मोमेंटम जो डाउन हो गया था वो पिकअप हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है समय इनके लिए काफ़ी हम कह सकते हैं मई से दिसंबर तक शुभ है। तो बेसिकली मैं आपको समअप करूँ, मकर राशि देखिए, शनि की साढ़े साथी चल रही है, देखिए शनि के साढ़े साथी में, उतरती हुई साढ़े साथी में देखिए थोड़ा बहुत आपके ग्रोथ में थोड़ा बहुत स्पीड आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स थोड़े कम होंगे। और ये इतना कह सकता हूँ जो फर्स्ट हाफ जो है उसमें क्या है कि जो शनि आपके लिए लाभ रहेंगे, सेकेंड हाफ में गुरु लाभ रहेंगे, और गोचर स्थिति देखिए मंगल और बुध आपके दोनों पहले ठीक रहेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। हम सबसे पहले उपायों पर आते हैं। देखिए उपायों के लिए सबसे पहले शनि के जो लॉर्ड हैं, आपके शनि आपके राशि लॉर्ड हैं, सूर्य आप जो है शनि भगवान को पूजन करें, शनिवार को अन्नदान का प्रबंध करें किसी भी निडी व्यक्ति को, और पीपल पर शाम को दीपक जलाएं, शनि चालीसा या दशरथ के शनि स्तोत्र पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। और शनि को आपको प्लीज़ करने के लिए साथ साथ मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप काल भैरव अष्टक या काल भैरव चालीसा भी पढ़ें, वो शुभ रहेगा। दूसरा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें रेगुलरली, वो आपके लिए शुभ रहेगा। तीसरा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको जो है हेल्थ के लिए जो है मंगल का हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। और चौथा जो है राहु को प्लीज करने के लिए आपको जो है ऐसा कर सकते हैं कि दुर्गा या दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या सरस्वती का बीज मंत्र कर सकते हैं, आइम सरस्वती नमः, ये शुभ रहेगा। और बुध जो है आपके कैरियर के लॉर्ड हैं, कैरियर के लिए आप क्या करें, बुध को प्लीज़ करने के लिए हरी चीज़ों का दान करें, पालक का गाय को खिलाएं तो शुभ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं जो आज जानकारी दी है आपको अच्छा रहा होगा, और आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे मकर राशि कैप्रिकॉर्न लगन वाले, राशि वाले और नाम राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं 2024 की, उनको सारी मनोरथ पूर्ण हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।